हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयविंद मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, आर्ट एजुकेशन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल जयविंद मौर्य जय आर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों में अधिक अधिक शेयर करिए। हम दोस्तों आप सब लोग के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं आर्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आगे एग्ज़ाम में सक्सेस होइए। थैंक्स दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आर्ट एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है उसका मैं आज पेपर लेके प्रस्तुत हूँ। और ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसका पेपर आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर किस तरह के हैं वो आप देखेंगे। दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही वो क्वेश्चन पेपर है जिसके द्वारा मैं केंद्रीय विद्यालय में चयनित हुआ था। तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये मेरे द्वारा दिया गया पेपर है। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम है। तो आइए दोस्तों हम इस पेपर को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन को उनके के कार्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मोटा तथा सशक्त रेखांकन करने के लिए M.F. हुसैन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय को जाता है। किसको जाता है? प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? सूर्य को। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकार मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुई? पल्लव वंश में। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए में क्या दिया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। दूसरा है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही। तो यहां पे दोस्तों ए सही है, आर भी सही है, तो ऑप्शन दो सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? रेखीय गुण, लाइन क्वालिटी दिखता है दोस्तों स्केच में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना द्वारा की गई है। किसके द्वारा? जानकी राम के द्वारा। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? अकबर ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, रंग क्या है? प्रकाश का गुण। वराह किसका अवतार है? विष्णु जी का। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित है किससे? गुप्त काल से। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित है किससे? गुप्त काल से। दोस्तों प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र
गपशप की रचना किसने की, इसका इंग्लिश में होता है गोशिप, ये एनएस बेंद्रे द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध है? रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है, यहां पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लास्ट में दिया नहीं, तो रूपप्रद कलाओं कौन कौन सी होती है जिन कलाओं को हम देख सकते हैं, तो स्वर ऐसा कला है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल सुनकर महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया अकबर में? अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प का शीर्षक है क्या है? अनसुनी चीखें, इसको इंग्लिश में क्रिस अनहर्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान किस राज्य में है? ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की थी किसकी? प्रिंटिंग प्रेस का। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में है, कहाँ है? एलिफेंटा गुफाओं में। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है कांस्य में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडिंग वुमैन। अगला क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? प्रार्थना कक्ष। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है किससे? सेल खड़ी, इंग्लिश में इसे स्टेटाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशता से किया गया है संगमरमर से किया गया है। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ? 16वीं सदी ईस्वी, 16th century CE में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। विहजाद, यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है? नूरुद्दीन ने, कृष्णा आंसुइंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का लिए चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। अबुल हसन, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं के निकट स्थित हैं, अजंता गुफाओं के निकट में स्थित हैं एलोरा गुफाएं। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण राजवंश द्वारा किया गया, चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम की पांडुलिप में देखने को मिलता है, विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचासिका में मिलता है ये। किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने परमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची? सावंत सिंह के समय। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? पकी हुई ईंटें, टेराकोटा ब्रिक्स। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का
एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो उसके कितने दिखाई देंगे? तीन। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल अवधि समय से संबंध रखता है, सिंधु घाटी का। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वर्णिका भंग। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है? 12वीं सदी से। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया? गुफा संख्या एक। दिलवाड़ा के जैन मंदिर से बने हैं, सफेद संगमरमर से बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लघु चित्र शैली में देदीयमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? राजस्थानी शैली में। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और को दर्शाया गया है, वृषभ, बैल को भी दर्शाया गया है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों में। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? अतिभंग। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं? बेलन। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया? नंदलाल बोस। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल से है? कुषाण काल। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? मृत्यु। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है, राजस्थानी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सुमिलित कीजिए। आदमी, औरत और पेड़, ये किसका है? के लक्ष्मण गौड़ का। बच्चे, चिल्ड्रेन किसका है? सोमनाथ होर का है। भंवर, वर्पुल किसका है? कृष्ण रेड्डी का है। दीवारों से सराकोर, ऑफ वॉल्स किसका है? अनुपम सूद का। तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? सिंधु घाटी काल। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है कविता का जन्म, इसे बर्थ ऑफ पोएट्री कहते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था, निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। सोमनाथ होर। सबसे विशालकाय शिलाकार मंदिर भारत में है, कहाँ है? एलोरा में। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? डॉक्टर आनंद केंटिस कुमार स्वामी। एक इंद्रधनुष में रंग होते हैं, सात रंग होते हैं। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहां स्थित है? दिल्ली में। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। हाजी मदनी। इंग्लिश में यह चित्र जो है मैरिज प्रोसेसिंग ऑफ दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन, मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? कांस्य। ये ब्रॉन्ज से बनी है दोस्तों। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है, किससे बना है? लाल चूने का पत्थर, रेड लाइमस्टोन से बना है। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मीर सैयद अली ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है क्या? साहस और बलिदान। जो इंडियन सेफ्रॉन कलर है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दस्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया? अकबर के समय में। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। उत्कल राम। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए। पहले मौर्य, फिर सुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ये पीरियड क्रम अनुसार है। ऑप्शन थर्ड सही है यहाँ पर। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ? 16वीं सदी ईस्वी, 16 सेंचुरी में हुआ था। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा का कब अधिक फली फूली? 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी में। 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी में किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची? राजा संसारचंद के समय में। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है माप अनुपात। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है हिंदू मंदिर। महाराजा 1745-1753 ईस्वी के
शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। किसके समय में? गज सिंह के समय में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक से ढाली गई हैं, मोम निकालकर बनाने की विधि, इंग्लिश में इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? शिव। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है, यूनानी कला का, हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती हैं महायान संप्रदाय में। भारतीय पौराणिक कथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? राजा रवि वर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? पत्थर के मोती। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियों को दर्शाती है पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह के शासनकाल के से संबंध रखते हैं जहांगीर के काल से। भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? मोम निकालने की प्रक्रिया, लास्ट वैक्स प्रोसेस। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी सामग्री से बनी है, मृड मूर्ति, ये टेराकोटा से बनी। किस मुगल शहंशाह के काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? औरंगजेब। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी द्वारा बनाया गया, ज्योति भट्ट के द्वारा। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई, नूरुद्दीन की। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण से हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से। अंतराल को कहते हैं, अंतराल को क्या कहते हैं? क्षेत्र। अंतराल को क्या कहते हैं? एरिया। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। दीवारों से सरोकार, ऑफ वॉल्स। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है, यह मौर्य काल से संबंधित है। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? आयताकार।
निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? मूर्तिकला। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ जो आर्ट एजुकेशन का था। इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन थे जिसमें से हमें आर्ट एजुकेशन का 100 क्वेश्चन आता है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में उसमें हमारा 27 क्वेश्चन सही था, और जो 100 नंबर के हमारे आर्ट एजुकेशन से आता है उसमें हमारा 92 नंबर सही था, जिसमें से हमें 150 में 119 नंबर मिला था। और इंटरव्यू हमारा दिल्ली में हुआ था, इंटरव्यू में हमें 60 नंबर में 52 नंबर दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 2018 केंद्रीय विद्यालय कला शिक्षक के लिए चयन हुआ था। तो दोस्तों आप भी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, जो भी हम बता रहे हैं चीज़ें ये अच्छे से अपने बुक में नोट करें और उसे अच्छे से पढ़ें। हमारे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से इसे अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम दें। उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि किस तरह का हमने उन्हें प्रिपरेशन कराया है। धन्यवाद दोस्तों।